आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में बोला गया है कि डीवाई बटे डीएक्स ज्ञात करना है, जबकि वाई दिया है हमें साइन एक धन वर्गमूल में एक्स बटे में है एक माइनस वर्गमूल में एक्स। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे देखिए। पहले देखिए साइन का ये साइन एक्स का सूत्र हमें पता है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं कुछ और है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो भाग दिया गया है एक धन वर्गमूल एक्स बटे में एक माइनस वर्गमूल एक्स, इसे हम मान लेते हैं यू। ठीक है, इसे हम श्रृंखला विधि से हल करने जा रहे हैं, तो हो जाएगा वाई बराबर साइन यू। ठीक है, अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स साइन यू। अब देखिए यहाँ पे जो चर है वो यू है, लेकिन हम सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यू है इसलिए हम करेंगे डी बटे डी यू साइन यू। ठीक है ना, अब चूंकि हमने बटे में डी यू लाया है तो यहाँ गुणा में भी डी यू होगा और ये जो डी एक्स है बटे में इधर लिख देते हैं। ठीक, तो साइन यू का हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन यू का आ जाएगा कॉस यू, है ना, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन एक्स सापेक्ष कॉस एक्स होता है, तो यू के सापेक्ष कॉस यू हो जाएगा। अब यहाँ यू का मान रख देते हैं, यू हमने क्या माना है डी बटे डी एक्स, यू हमने माना है एक धन वर्गमूल एक्स बटे एक माइनस वर्गमूल एक्स। ठीक, अब ये देखिए अंश बटे हर के रूप में है, तो अंश बटे हर के रूप में है अगर, तो आपको सूत्र बताना चाहिए, अगर यू बटे v इसका हमें अवकलन करना है, डैश मतलब अवकलन कर रहे हैं, तो ये होता है हर का वर्ग है ना, मतलब v का वर्ग, फिर v गुणित अंश का अवकलन माइनस u गुणित हर का अवकलन, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ u क्या है, u अपना यहाँ पे है एक धन वर्गमूल x और v है एक माइनस वर्गमूल x। ठीक, तो अपने यहाँ आ जाएगा क्या dy बटे dx, इसे वैसे ही लिख देते हैं अभी cos u को, cos u ही लिखा रहने देते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा हर का अवकलन मतलब एक सॉरी हर का वर्ग एक माइनस एक्स वर्गमूल एक्स पूरे का वर्ग, फिर हर को ऐसे लिख देंगे, फिर अंश का अवकलन, तो एक प्लस एक का तो अवकलन शून्य हो जाएगा, वर्गमूल एक्स का क्या हो जाएगा एक बटे दो वर्गमूल एक्स, फिर माइनस। ठीक है, अंश को वैसे के वैसे लिख दीजिए ऐसा, और हर का अवकलन कर देंगे, तो एक का तो शून्य हो जाएगा और माइनस वर्गमूल एक्स का ये हो जाएगा माइनस एक बटे दो वर्गमूल एक्स, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और देखिए दोनों के में दो बटे वर्गमूल एक्स आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा कॉस यू, और चूंकि दोनों में बटे दो वर्गमूल एक्स है तो वर्गमूल एक्स हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये एक माइनस वर्गमूल एक्स का पूरे का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे क्या है एक माइनस वर्गमूल एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक धन वर्गमूल एक्स इस टाइप से। ठीक है, ये बटे में दो वर्गमूल एक्स हमने समझ लीजिए कॉमन निकाल लिए दोनों से। ठीक है, इसे हमने दोनों में से कॉमन निकाल दिया है, और कॉमन निकालने से नीचे में बटे में आ गया है दो वर्गमूल एक्स। ठीक है, ये तो आगे देखते हैं क्या कि ये तो कट गए, ठीक है दोनों कट गए, ऊपर बचा दो है ना, ऊपर बचा दो और नीचे है दो वर्गमूल एक्स गुणा में एक माइनस वर्गमूल एक्स का पूरे का वर्ग, दो दो भी कट गया, तो हमारे पास सॉरी यहाँ कॉस यू का गुणा भी है ना, इसे कॉस यू को भूल गए, कॉस यू है ना। अब यू का मान रख देते हैं, यू हमने क्या माना था देखिए शुरू में ही एक धन वर्गमूल एक्स बटे एक माइनस वर्गमूल एक्स, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस एक धन वर्गमूल एक्स ठीक बटे एक माइनस वर्गमूल एक्स, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आए बटे में एक बटे नीचे है वर्गमूल एक्स गुणित एक माइनस वर्गमूल एक्स का पूरे का वर्ग। ठीक, तो हम इसे ऐसा लिख लेते हैं, चलिए कॉस एक धन वर्गमूल एक्स बटे एक माइनस वर्गमूल एक्स और बटे में वर्गमूल एक्स गुणित एक माइनस वर्गमूल एक्स का पूरे का वर्ग, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डीवाई बटे डी एक्स हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, हमने श्रृंखला विधि से हल किया है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।